डिजर्विंग है क्योंकि ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी. मुझे ऐसा लगता है कि वो घर में जितने भी 16 लोग थे ना, इंक्लूडिंग मी, आई थिंक हम सब ही विनर हैं. बिकॉज हम एक अपना एक सिंगल इंडिविजुअल बैटल लड़ के उस घर में जाते हैं और वहाँ अलग तरीके का गेम होता है. तो वहाँ जो अभी बचे हैं वो लोगों के प्यार के वजह से बचे हैं, और जो भी जीते इट विल बी लाइक एन ऑनर फॉर एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि आई नो कि जो वहाँ पे है वो डिजर्विंग है. कुछ कंटेस्टेंट्स के थ्रू ऐसे भी पता चला है कि हमें लास्ट टॉप 3 टॉप 5 में होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जगह किसी और को दिया गया है. आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होता है? मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है. इवन तो मुझे अंदर जाने से पहले मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा था, तो मुझे बिग बॉस का भी आइडिया नहीं था. बट मेरा मेन मोटो एक ही था कि मुझे, क्योंकि मेरी एज 21 है, मेरा फोकस था कि मैं एज मच एज आई कैन अर्न फॉर माई पेरेंट्स, जितना पैसा कमा सकूँ. तो मुझे ये ट्रिक्स नहीं पता कि किसको आगे लेके जा रहे हैं, किसको पीछे लेके जा रहे हैं. बट जो भी आगे जा रहे हैं, आई थिंक उन्होंने एक अपना ही बैटल वहाँ गेम खेला है, दिमाग से रहे हैं, तो सभी डिजर्व करते हैं यार, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. वेल, एक सरप्राइज तो आपने दे ही दिया है कैलेंडर, बट और भी कौन से सरप्राइजेस आपके और भी रहेंगे? ये अनएक्सपेक्टेड था, तो लाइफ में जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा. एंड आई थिंक व्हेन यू आर हम्बल एंड काइंड विद पीपल, खुद से आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं परिमल जैसे लोग आते हैं और आपकी लाइफ में एक स्पार्क दे जाते हैं. सो एवरीथिंग विल बी अनएक्सपेक्टेड, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो भी अपनी लाइफ में करूँ, आप सभी को कहीं ना कहीं एक स्टोरी दूँ कि ये जो देख रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले और अपनी लाइफ में सपने देखने की हिम्मत रख सकें. थैंक यू.